गांव की स्थिति और आवश्यकताओं को एबीपीएस न्यूज के माध्यम से सरकार तक पहुंचाने का सिलसिला जारी रखते हुए एबीपीएस न्यूज टीम का अगला पड़ाव जनपद बरेली के ब्लॉक बहेड़ी में स्थित पनबड़िया गांव पड़ा। वर्तमान में गांव की प्रधान मुन्नी देवी हैं। लगभग 2500 की आबादी वाली यह ग्राम पंचायत जिला मुख्यालय से 50 किलोमीटर दूर तो वहीं ब्लॉक से इस गांव की दूरी मात्र 10 किलोमीटर ही है। लगभग 1000 वोटर वाला यह गांव विकास के पथ पर अग्रसित है। गांव में 300 राशन कार्ड धारक हैं। बात अगर शिक्षा के स्तर की जाए तो गांव के जूनियर एवं प्राइमरी स्कूल में लगभग 80 छात्र छात्राएं अध्ययनरत हैं। गांव में पेयजल आपूर्ति व्यवस्था दुरुस्त करने के लिए 12 हैंडपंप गांव के प्रधान द्वारा लगवाए गए हैं। इसी के साथ ही विद्युत व्यवस्था दुरुस्त करने के लिए 10 विद्युत पोल, एक विद्युत ट्रांसफार्मर व 16 लाइटें भी लगवाई गई हैं। बात अगर विकास कार्यों की जाए तो वर्तमान प्रधान द्वारा गांव में सीसी टाइल्स रोड, 3 खडंजे, पानी निकासी के लिए नाला, स्कूल की बाउंड्री, आंगनवाड़ी केंद्र, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 4 आवास व स्वच्छ भारत मिशन के तहत शौचालयों का भी निर्माण कराया गया है। एबीपीएस न्यूज टीम से बात करते हुए ग्राम प्रधान प्रतिनिधि ने गांव में 15 सीसी टाइल्स रोड, पंचायत घर, स्वास्थ्य केंद्र, बारात घर, शमशान घाट, कब्रिस्तान की बाउंड्री, स्वच्छ भारत मिशन के तहत 300 शौचालय व प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 30 आवासों के निर्माण की मांग राज्य व केंद्र सरकार से की है। जगदीश चंद शर्मा, ग्राम पनबड़िया, ग्राम पंचायत पनबड़िया, ब्लॉक बहेड़ी, तहसील बहेड़ी, थाना शेरगढ़ से बोल रहा हूँ। पहले मैंने स्कूल की बाउंड्री कराई और स्कूल की बाउंड्री के बाद हाउस पाइप लाया था, चक्रोटों में डलवाए, 3 खड़ंजे करवा दिए और 16 सौर ऊर्जा लगा दी, जिनका कोई पेमेंट सरकार से भी मुझे प्राप्त नहीं हुआ। और 3 रीबोरिंग करा दिए, समय समय पे हेड पंप की मरम्मत भी कराता रहता हूँ। और इसी तरीके से मैं आगे सरकार से मांग करता हूँ, मेरे यहाँ सबसे पहले चकबंदी की बहुत बड़ी दिक्कत है, जो चकबंदी ना हो पाई, जिससे हम तरह तरह के किसान छोटे वर्ग के हैं वो लड़ जाते हैं, एक दूसरे से मारपीट करते हैं, बाधाएं उत्पन्न होती हैं, परेशानी आती हैं, जिससे लड़ाई झगड़ा बना रहता है। मेरे यहाँ खड़ंजे की मांग है, खड़ंजे नहीं पड़ पाए हैं, कुछ कच्चे रास्ते हैं, जो 3-4 कच्चे रास्ते हैं, जो कच्चे रास्तों पे आज तक खड़ंजा कोई नहीं पड़ा। मेरे यहाँ मेरी नया पंचायत में करीब 18 जो गांव लगते हैं, उनमें सारे प्रधानों को अतिरिक्त धनराशि मिल गई, मेरे यहाँ कोई अतिरिक्त धनराशि नहीं मिल पाई है, जिससे गांव में मैं मुँह छुपा छुपा के रहता हूँ, गांव में कोई सही कार्य नहीं कर पा रहा हूँ। और बाकी तो सारा काम पढ़ाई है, हमारे पास में ही एक नाला बहता है जो खर्रा बोलते हैं जिसे, उसकी साफ सफाई भी नहीं कर पाए, एक नहर लगी है हमारे पीछे, गांव के पीछे नहर है, वो भी बंद है, उसमें बिजली की व्यवस्था नहीं है। हमारे यहाँ स्कूल में भी बिजली की व्यवस्था नहीं है और आंगनवाड़ी पे बिजली की व्यवस्था नहीं है, जिससे गाँव में बिल्कुल अंधेरे में डूबा रहता है। हमने 16 सौर ऊर्जा लगा के एक गाँव के विकास के लिए हमने जो सौर ऊर्जा लगाई गाँव में रोशनी हो, वो भी हमारे ब्लॉक के अधिकारी कहते हैं कि सौर ऊर्जा गलत लगा दी, इसका आपको पेमेंट नहीं मिलेगा। पानी बिल्कुल आए नहीं है, जो शौचालय से हम इतने बड़े परेशान हैं, हमें धी बेटियाँ हैं, हम क्या कहते जंगल में जाती हैं शादी के लायक लड़कियाँ, बताओ किस तरीके से जाती हैं, बेचारी परेशान हैं। हमने लिख के भी दे दिया, कई बार लिख के दे दिया, इस तरीके से हमारे युवा सौर लैटिन नहीं आ पा। आवास हमें पिछले टन के मिले हुए हैं, बहुत तैयार हो गए हमारे, बाकी हमने 30 आवासों की मांग करी है, मांग लिख के दे दिया है। अब देखो साहब कितने दिनों में क्या मिल सकता है, हम जो सरकार से क्या उम्मीद करें, अब तक हमारे हाथ में कोई चवन्नी का कोई नई प्रावधान नहीं आया। मेरा नाम शिव कुमार है, मैं ग्राम प्रमणिया का रहने वाला हूं और गांव का सदस्य हूं। मेरे प्रधान जी ने जो भी कहा है वो सब कहा है और आज तक हमारे गाँव में पैसे की व्यवस्था के कारण कोई भी कार्यालय सफल नहीं हो पा रहा है। और स्वास्थ्य केंद्र की तो बहुत बड़ी समस्या है, क्योंकि यहाँ से काफ़ी दूर बहेड़ी में जाने पड़ता है, जो हमारे यहाँ से करीब 12 किलोमीटर दूर है। राशन कार्ड की बड़ी समस्या भी पूरे नहीं बन पाए हैं और हमारी प्रधान जी तो बहुत बढ़िया हैं, और हमारी विधवा पेंशन भी नहीं बन पाई है और विकलांग पेंशन की भी नहीं बन पाई है। यहाँ औरतें और विकलांग बच्चे बहुत परेशान होते हैं और हमारी प्रधान जी तो बहुत बढ़िया हैं, जो कार्य समय समय पर कराते हैं